मटेरियल कंट्रोल, ठीक है। जब भी हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, डायरेक्ट मटेरियल, है ना। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहली चीज ही हमें क्या चाहिए, कच्चा माल। अब जो कच्चा माल है उसका भी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट का मतलब है कि हमें कच्चे माल को कितनी क्वांटिटी में खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, ठीक है। कच्चा माल हमारे पास कितना रहना चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इससे कम हो ही नहीं सकता, एवरेज हमारे पास ये स्टॉक रहना चाहिए। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है रीऑर्डर लेवल। क्या है? रीऑर्डर लेवल। अब ये रीऑर्डर लेवल क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पुनः आदेश स्तर। क्या बोलते हैं? पुनः आदेश स्तर। ये रीऑर्डर लेवल क्या है कि हमें हमारे कच्चे माल का ऐसा कौन सा लेवल होना चाहिए जिस पे हम नेक्स्ट ऑर्डर दे रहे हैं। इट इज अ लेवल, ठीक है। When it is reached, we will give new order. समझ में आया? जैसे कि हमारे पास कच्चा माल enough quantity में अभी पड़ा है, तो क्या हम खरीदेंगे? क्या नहीं है, नहीं खरीदेंगे मतलब, ठीक है। अब जैसे जैसे वो quantity decrease होती जाएगी, जैसे जैसे वो quantity decrease होती जाएगी, तो क्या पूरा कच्चा माल खत्म हो जाएगा तब आप खरीदोगे, या कुछ बचा के रखोगे तब आप खरीदोगे? कुछ बचा के रखोगे तब आप खरीदोगे, समझो। अब कितना बचा के रखोगे? आप उतना माल बचा के रखोगे जितना माल कच्चे माल से आपका काम, नया माल आए तब तक चल जाए, समझ में आए। जैसे आपको पता है हम 200 किलो बचा के रखते हैं, या हम 300 किलो बचा के रखते हैं, या हम 400 किलो बचा के रखते हैं, आपको पहले यह पता लगाना होगा कि नया माल आएगा तब तक इस क्वांटिटी से हमारा काम चल जाएगा, समझ में आया। तो आपको लगता है कि यार नया माल आने तक 200 किलो से काम नहीं चलेगा, नया माल आने तक 300 किलो से काम नहीं चलेगा, हमें कम से कम 400 किलो तो चाहिए ही चाहिए, जब तक नया माल आए तब तक इस 400 किलो से हमारा काम चल जाए। दैट इज रीऑर्डर लेवल। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे? मन से तो डिसाइड होगा नहीं, 400 रख लो, कल को 400 से ज़्यादा चाहिए रह गया तुम्हारे को, तो फिर क्या होएगा? तो क्या तुम प्रोडक्शन बंद कर दोगे? कच्चा माल ही नहीं, प्रोडक्शन कैसे होगा? मजदूरों को फोकट वेजेस देनी पड़ेगी आपको, समझ में आया। तो इसीलिए आपको रॉ मटेरियल के बारे में सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी है, क्लियर। अब रॉ मटेरियल कितना आपके पास हो तब आप ऑर्डर दोगे, इसका पता कैसे पड़ेगा? कि जब तक नया माल आएगा तो पहले आप ये पता करो कि नया माल आने में टाइम कितना लगेगा, और उस टाइम ड्यूरेशन में आपका रोज की खपत के हिसाब से टोटल कंजप्शन कितना हो जाएगा, समझ में आया। जैसे मान लो कि आपकी जो पर डे कंजप्शन है, क्या है पर डे कंजप्शन का मतलब पर डे यूजेज आपका कच्चे माल का, ठीक है। पर डे आपका यूज है मान लो 18 से 20 किलो, कितना क्विंटल किलो ग्राम जो भी है, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे को 18 से 20 किलो कच्चा माल रोज चाहिए, तो आप 18 किलो मान के चलोगे या 20 किलो मान के चलोगे? आप तो 20 ही किलो मान के चलोगे, समझ में आया। आप तो ज्यादा से ज्यादा माल बचा के रखोगे या कम से कम माल बचा के रखोगे, क्लियर है। और मान लो जो नया कच्चा माल आएगा उसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा मान लो 8 to 10 डेज, कितना लगेगा? इसको हम लोग बोलते हैं रीऑर्डर पीरियड। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो नया माल आने में आपके कितने दिन लगेंगे? 8 से 10 डेज लगेंगे आपके। तो आप क्या मान के चलोगे? 8वें दिन माल आ जाएगा, आप तो 10 दिन मान के चलो। तो कहने का मतलब है 10वें दिन तो माल आ ही जाएगा, और रोज की ज्यादा से ज्यादा कितनी खपत होगी? 20 किलो। तो 200 किलो अगर आपके पास कच्चा माल रह जाता है तो क्या आपका काम चल जाएगा नया माल आने तक? दिस इज रीऑर्डर लेवल।
ये 200 केजी क्या है, रीऑर्डर लेवल। अब मेरी बात सुनो, हो सकता है माल 8वें दिन ही आ जाए और हो सकता है रोज की खपत आपकी 18 किलो ही हो, समझ में आया। तो आपका भले 200 किलो में से माल कुछ बच जाए वो चलेगा, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। मान लो आपने डिसाइड करा 18 × 8, ये बचा लो, 18 × 8 कितना आएगा, 18 × 8 126 नहीं शायद 128 होना चाहिए, 18 × 8 अच्छा 144 ठीक है। तो 144 किलो मान लो आपने माल बचा लिया, आपका अनुमान है कि 8वें दिन तो माल आ ही जाएगा और ज़्यादा मतलब रोज की 18 किलो ही लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी, समझ में आया। और कल को रोज की 20 किलो लग गई, माल 10वें दिन आया तो क्या पिछले के 2-3 दिन आप क्या काम बंद करोगे, समझ में आया। तो आप इतनी क्वांटिटी में तो माल खरीदो ही खरीदोगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इतना माल तो बचाओगे ही बचाओगे, ताकि उस माल से आपका कन्फर्म 100% काम चल जाए, समझ में आया। तो इसीलिए रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैक्सिमम रीऑर्डर क्वांटिटी क्या, मैक्सिमम रीऑर्डर क्वांटिटी इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ठीक है, या मैक्सिमम रीऑर्डर क्वांटिटी या मैक्सिमम यूजेस, नहीं मैक्सिमम रीऑर्डर क्वांटिटी ना बोल के इसको ज्यादा बेटर रहेगा, आप लिखो इसको मैक्सिमम यूजेस या मैक्सिमम पर डे कंजप्शन, मैक्सिमम कंजप्शन बोल लो पर डे आप, ठीक है। तो मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड पर डे, ठीक है। और ये भी, हाँ ये भी डेज में आएगा, मतलब क्लियर है। तो आपको क्या करना है, मैक्स टू मैक्स रोज की कितनी खपत होएगी 20, और मैक्स टू मैक्स माल आने में कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। तो आपका 200 केजी क्या हो गया, रीऑर्डर लेवल। देखो फॉर्मूला रटना अलग बात है और उसको समझना, भाई रटने में तो आपने रट लिया कि भाई मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, मैक्सिमम खपत देख लो आपकी रोज की कितनी है और मैक्सिमम टाइम देख लो रोज का कितना है, रोज का मतलब मैक्सिमम टाइम देख लो माल आने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे तो रट के तो निकाल सकते हो, लेकिन उसको समझ में भी आना चाहिए कि वो मैक्सिमम लिया तो क्यों लिया, मैक्सिमम दिन लिए ये सोच के लिए कि हो सकता है लास्ट के दिन भी माल आए, और मैक्सिमम खपत हमने पकड़ी क्यों पकड़ी, क्या पता रोज की 20 किलो खत्म हो जाए तो, समझ में आया। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम आपकी जो यूजेस है इनटू मैक्सिमम टाइम, क्लियर है, समझ में आया। और बहुत बार जैसा मैंने पहले भी बताया था, बहुत बार क्या होता है, ये अपने पास सेफ्टी स्टॉक भी रखते हैं, क्या रखते हैं, सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, जो इमरजेंसी के टाइम पे काम आता है। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है कि कल को 11वें 12वें दिन भी नॉर्मली 8 से 10 दिन में माल आ जाता है, कल को माल आने में 15 दिन लग गए तो, अब वो क्यों लग सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक रीज़न की वजह से, कि ट्रक वालों की हड़ताल हो गई, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, या जहां से कच्चा माल आता है वहां कुछ गड़बड़ हो गई, आपका सप्लायर आपको माल दे नहीं दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के कुछ ऐसी घटना हो गई है जो अप्रत्याशित है, अनफॉर्चुनेट, ठीक है। तो वो उसके लिए आपको माल थोड़ा अलग से ही रखना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफ्टी स्टॉक, क्लियर। तो ये मान लो ये है 150 केजी, ये 150 केजी वो माल है जिसको आप कभी हाथ ही नहीं लगाते हो, ये तो हमेशा पड़ा ही रहता है, क्लियर। तो आपका टोटल गुड्स कितना हो जाएगा, रीऑर्डर लेवल 350 किलो बचे आप ऑर्डर, 200 तो वो आपका यूजेस वाला और 150 तो वो पड़ा ही रखना आपको। तो जैसे ही माल 350 किलो पे आता है आप नया ऑर्डर दे दो। तो रीऑर्डर लेवल का एक और फॉर्मूला भी होता है, रीऑर्डर लेवल का एक और फॉर्मूला भी होता है, लीड टाइम। क्या लीड टाइम का मतलब, वही 10 दिन, माल आने में कितने दिन लगेंगे, 10 दिन, इनटू यूजेज रेट, इनटू वही रोज की यूजेज रेट मैक्सिमम,
तो लीड टाइम इनटू प्लस सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो गया, लीड टाइम इनटू यूजेज रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक, ये किसका फॉर्मूला हो गया, रीऑर्डर लेवल। और एक फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम पीरियड पर डे या पर वीक पर मंथ, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। हाँ तो अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, जिससे कम आपके पास माल तो होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे आपका रीऑर्डर लेवल अभी अपन ने पढ़ा, रीऑर्डर लेवल कितना था, 200 किलो, रीऑर्डर लेवल कितना था 200 kg, ठीक है। मतलब जैसे ही माल 200 किलो पे आएगा आप नया ऑर्डर दे दोगे, तो जब तक नया ऑर्डर आएगा तब तक इधर से कुछ 200 किलो में से ख़त्म भी तो होएगा, हो सकता है 200 का 200 पूरा हो जाए ख़त्म, हो सकता है 200 किलो का 200 किलो पूरा ख़त्म हो जाए, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि एवरेज कंजप्शन मान लेते हैं, जैसे मैंने आपको लिखाया कि आपकी एवरेज कंजप्शन कितनी है, मतलब रोज की कंजप्शन कितनी है 18 से 20 किलो, तो 18 + 20/2 19 किलो, इसको एवरेज कंजप्शन मान लेते हैं अपन, नॉर्मल कंजप्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। और आपकी आपका माल कितने दिन में आएगा, 8 से 10 दिन के बीच आएगा, तो हम एवरेज कितना मान लेते हैं 9 days, एवरेज कितना मान लेते हैं 9 days, क्लियर है। तो माल आने में 9 दिन लगेंगे, 8वें दिन भी आ सकता है, 9वें दिन भी आ सकता है, 10वें दिन भी आ सकता है, हम मान लेते हैं कि भाई नॉर्मली माल 9 दिन में आ जाएगा, और नॉर्मल जो रोज की खपत होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 19 × 9 171, ठीक है। तो 200 में से 171 गया, 29 kg, ये आपका होएगा मिनिमम स्टॉक लेवल, क्या होएगा, क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रीऑर्डर लेवल क्या हो जाएगा, माइनस नॉर्मल कंजप्शन, नॉर्मल कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल पीरियड, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बहुत बात ये क्या आ गया हमारे मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। और बहुत बार आपका जो मिनिमम स्टॉक लेवल होता है क्या, वो सेफ्टी स्टॉक ही होता है। तो इसके दो फॉर्मूले याद रखो आप, पहला फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल, जहाँ पर आपने माल मंगाया इसमें से नॉर्मली ख़त्म कितना हो गया, एक तो ये मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एक मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला ये होता है, जब आपके पास ये कंजप्शन, माल कितने दिन में आएगा, रीऑर्डर लेवल ये वगैरह नहीं हो, तो जो सेफ्टी स्टॉक होता है वही आपका मिनिमम स्टॉक लेवल होता है। तो मैं हर चीज़ के दो फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको, रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला था, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम या लीड टाइम इनटू यूजेज रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक। ये देखो रीऑर्डर लेवल के दो फॉर्मूले क्या आते हैं, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम या लीड टाइम इनटू यूजेज रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक। और इसके भी दो फॉर्मूले बता दिए, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल पीरियड, ठीक है, और मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक, दोनों बातें सेम है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पास कितना माल हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। अब ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, जिससे ज़्यादा माल आपके पास हो ही नहीं सकता, जिससे ज़्यादा माल आपके पास, मान लो आप 1000 किलो मंगाते हो, जिसको बोल सकते हैं हम ROQ 1000 kg, ठीक है। और आपकी ROL रीऑर्डर लेवल कितनी है, 200 kg, समझ में आया, मैं जो बात समझा रहा हूँ समझ में आया। आप कब माल मंगाओगे, जब आपके पास 200 किलो बचेगा, और कितना मंगाओगे, 1000 किलो, ये फिक्स है, समझ में आया। तो आपके कितना माल पहुँच गया,
200 किलो, जब आपने 1000 किलो मंगा लिया, जब तक 1000 किलो आएगा जब तक इस 200 में से कुछ खत्म हो जाएगा। हो सकता है 200 का 200 पूरा ही खत्म हो जाए, हो सकता है 150 खत्म हो सकता है 160 खत्म हो सकता है 170 खत्म हो इस 200 में से, या हो सकता है 200 खत्म हो। फिर ये 1000 किलो जब माल आ जाएगा तो आप इसको धीरे धीरे यूज करोगे। तो फिर जैसे आपने 1000 किलो मंगाया, कितना किलो मंगाया, और इस 200 किलो में से मान लो 40 किलो बच गया, मान लो कितना किलो बच गया, तो आपके पास माल कितना हो गया वापस 1040 किलो। अब धीरे धीरे ये 900 किलो होएगा, फिर 800 होएगा, फिर 700 होएगा, फिर 300 आएगा, ठीक है, जब तक आप ऑर्डर नहीं दोगे। जैसे ही माल वापस कितने पे आया, आप वापस 1000 किलो ऑर्डर दे दोगे, ये वाला समझ में आया। अब जैसे ही 200 किलो बचा, 1000 किलो नया आ गया, जब तक 1000 किलो नया आएगा जब तक इधर से 200 खत्म हो जाएगी, हो सकता है 200 में से फिर 50 किलो बच गई, तो अब आपके पास टोटल माल कितना हो गया 1050, फिर इसमें से वापस खत्म होना चालू 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 चालू। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्लियर है। 1000 से ज्यादा आप मंगाते नहीं हो, 200 किलो से पहले आप मंगाते नहीं हो, ये आपका रूल है। आप हर बार कितनी मंगाओगे 1000 किलो, और जब तक माल 200 किलो तक नहीं आए आप नया ऑर्डर नहीं दोगे, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है, क्या मैक्सिमम स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला होएगा वो होएगा रीऑर्डर क्वांटिटी, जो माल आपने नया मंगाया, प्लस रीऑर्डर लेवल, आगे पीछे दोनों लिख सकते हो, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ये कितना है 200 प्लस ये कितना है 1000, टोटल माल कितना हो जाएगा 1200। 1200 होएगा नहीं क्योंकि इस 200 में से कुछ खत्म भी होएगा। तो आप क्या मान के चलते हो, मिनिमम से मिनिमम 8x18 ये तो खत्म होएगा ही होएगा। 8 दिन से पहले माल आना नहीं, 18 किलो रोज की खपत, इससे कम खपत होनी नहीं। क्या किसी भी दिन खपत 17 किलो हो सकती है? 18 तो मिनिमम आपको रोज का डेली चाहिए, और 8वें दिन से पहले 7वें दिन 6ठे दिन तो माल आ ही नहीं सकता। मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई, जब तक 200 किलो आएगा ना तब तक इधर से 144 किलो तो उड़ेगा ही। तो इस 200 किलो में से ज्यादा कितना माल बच सकता है, 56 kg प्लस 1000 नया आ गया, टोटल कितना हो गया 1056। इससे ज्यादा माल आपके पास कभी भी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी पूरे वर्ष भर में दिन ही नहीं आएगा जब आपके पास 1060 किलो माल बचेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप 1000 से ज्यादा मंगवाते नहीं हो, और मंगवाते कब हो? जब 200 बचता है। अब जब 200 बचेगा, जब आप 1000 नया मंगाओगे तो ऐसा तो है नहीं 200 में से खत्म नहीं होएगा। क्या हो सकता है आपके पास 1200 किलो माल हो जाए? जब तक 1000 किलो आएगा तब तक इस 200 में से कुछ खत्म नहीं होएगा। 56 किलो तो क्या 144 kg तो खत्म होना कन्फर्म है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कम से कम आपको 18 किलो तो चाहिए ही चाहिए, और माल 8वें दिन से पहले नहीं आना, तो 144 किलो तो खत्म होएगा ही होएगा। तो उस 200 में से ज्यादा आप कितना बचा सकते हो? 56 किलो, और 1000 किलो आप नया मंगाते हो, ठीक है, फिर इसमें से खत्म होएगा 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 होएगा, फिर 200 किलो पे पहुंच जाएगा, फिर 1000 मंगा लोगे, 1000 आएगी जब तक इस 200 में से कुछ खत्म होएगा। ज्यादा से ज्यादा कितना खत्म हो सकता है 200, और कम से कम 144। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, माइनस मिनिमम इंटू मतलब मिनिमम से मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम से मिनिमम पीरियड, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला वापस लिख देता हूं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू क्या हो गया, रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल, ये दोनों को जोड़ दो, इसमें से माइनस कर दो आप अपना मिनिमम यूजेस, ठीक है, इंटू मिनिमम पीरियड, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तो आपको रीऑर्डर लेवल समझ में आया, क्लियर पूरा, आपको मिनिमम स्टॉक लेवल समझ में आया,
हैं? आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल समझ में आया? ठीक है, और एक मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला और भी होता है, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इसका फॉर्मूला भी होता है आर ओ क्यू, क्या प्लस सेफ्टी स्टॉक, आर ओ क्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, ये कब, ये फॉर्मूला कब लगता है? जब आपके पास मिनिमम मैक्सिमम ये अवेलेबल नहीं हो, तो रीऑर्डर। अच्छा, इस आर ओ क्यू को हम है ना ई ओ क्यू भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखो। क्या? इस आर ओ क्यू को हम लोग ई ओ क्यू भी बोलते हैं। अब ये ई ओ क्यू क्या होती है, ये हम अब डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल के लिए हर चीज के दो दो फॉर्मूले हैं। रीऑर्डर लेवल के दो फॉर्मूले क्या हो गए, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम या लीड टाइम इंटू यूजेज रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक। मिनिमम का क्या फॉर्मूला हो गया, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल इंटू नॉर्मल या सेफ्टी स्टॉक। और मैक्सिमम स्टॉक के दो फॉर्मूले क्या हो गए, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम या रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस सेफ्टी स्टॉक। क्लियर है? फॉर्मूले रटने नहीं है, इनको समझना है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगर आपको यह पता है कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल होता क्या, कि इससे ज्यादा माल हो ही नहीं सकता, आएगा फिर हमारे पास जो पड़ा है उसमें से खत्म होएगा, नया आएगा, दोनों को जोड़ के कम इतना तो खत्म हो ही जाएगा, वैसे ये याद रहना चाहिए आपके माइंड के अंदर, तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं एवरेज स्टॉक लेवल। क्या? एवरेज स्टॉक लेवल। अब ये एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है, आपको सिंपली क्या करना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल अपॉन टू। क्या करना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल अपॉन टू, ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, तो जैसे अभी आपके मिनिमम कितना आया था, मिनिमम अपन ने निकाला ही नहीं, हाँ निकाला था ना, कितना, 29 केजी, ये तो क्या आया था मिनिमम 29, और मैक्सिमम कितना आएगा 1056 अपॉन टू। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एवरेज स्टॉक लेवल। क्लियर है? तो चारों समझ में आया, रीऑर्डर लेवल समझ में आया, मैक्सिमम मिनिमम क्लियर है? हाँ ठीक है।